भीषण गर्मी, उमस और बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां लगातार पांव पसार रही है। अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय के CMS डॉक्टर अनुपम भास्कर ने हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर्य से आजकल हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के बारे में और सुविधाओं के बारे में खास बातचीत की। पहले तो मैं आपका पता जानना चाहूँगा और साथ में अभी आपके यहाँ किस किस रोगों के मरीज जो हैं वो ज़्यादातर हैं और क्या आने की और संभावनाएं बारे में। मैं डॉक्टर अनुपम भास्कर, CMS पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़। जैसा कि आपने व्यक्त किया है कि यहाँ पर किस तरीके के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, अभी सामान्यतः उल्टी दस्त बुखार के मरीज ही आ रहे हैं। बाकी और मरीज हैं वो भी जो रेगुलर आते हैं वो भी आ रहे हैं, सांस के मरीज हैं इस तरह से जो है, क्योंकि ये मंडल स्तर का संयुक्त चिकित्सालय है, यहाँ पर सभी प्रकार के सभी रोगों के मरीज जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि मौसम का बदलाव हो रहा है, बारिश आने का समय है, ऐसे में जो है हमें कुछ एहतियात बरतना चाहिए जिससे कि कुछ मरीज जो हैं हमारे शरीर में प्रवेश न कर जाएं। जैसा कि बरसात के समय मलेरिया और डेंगू का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में हमें जो है पूरी वहाँ की कमीज पहने, मतलब कोई भी मतलब हाथ पैर छोड़ करके जितना हम अपने सिर को ढक सकें उस तरह से रहें। रात में जब भी हम सोएं तो मच्छरदानी लगा करके सोएं, जिससे कि मतलब जो है मच्छरों को काटने का वो न रहे। और अपने आसपास जितने भी नालियां हैं उनका भी जो है समय से उनकी सफाई करवाते रहें, जिससे कि जो है डेंगू का मरीज जो है वो डेंगू का मच्छर जो है पनपने न पाए। मेनली जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में पनपता है, इसके लिए हमें एक एहतियात ये भी बरतनी पड़ेगी कि छत पर जो भी खुले सामान है वहाँ पर पानी का जलभराव हो जाता है, या कूलर है उसमें पानी का जलभराव रहता है, तो ऐसे में उसको समय समय पर उसे खाली करते रहें जिससे कि जो है मच्छर न पनपें। इस प्रकार से हम डेंगू और मलेरिया पर हम अपना नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बाद खान पान पर हमें विशेष ध्यान रखना है, कोई भी खाना ताज़ा खाएं, सुबह का रखा हुआ शाम को न खाएं, जिससे कि खाना दूषित न हो पाए। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खुले में शौच न करें। खुले में शौच करने से वहाँ पर जो भी मक्खी हैं या और भी कुछ फ्लाइज हैं वो वहाँ पर बैठ कर के, और फिर घर पर आकर के जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर आकर बैठती हैं, उस गंदगी को वहाँ पर लाती हैं, तो जिससे हमें उल्टी दस्त की संभावना ज़्यादा रहती है।